रुक करते अगली खबर की जो छत्तीसगढ़ से है, जहां जशपुर में आजादी के 75 साल बाद ही मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। दरअसल पत्थल गांव के कूड़ा पानी गांव में सड़क के अभाव में प्रसव दर से करहा रही गर्भवती महिला को परिजन कांवर से ढोक कर ले गए। परिजनों ने 4 किलोमीटर का सफर और उबड़ खाबड़ पगडंडी और नाले के बीच से होकर तय किया। रास्ता खराब होने की वजह से अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की डिलीवरी हो गई। इसके बाद जच्चा और बच्चा दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसलिए मैं हॉस्पिटल लाया गया तो मैं बाहर झलगी बाहर से मैं ले लाया बोह के ले लाया। मैं रास्ते में जचकी हो गया। जो कूड़ा पानी क्षेत्र है एकदम अभागा गांव है। आज तक आज़ादी के बाद से यहाँ तक ना रोड बना है, ना पुल पुलिया है, ना सड़कें हैं। हम लोग स्थानीय विधायक राम पुकार सिंह को इसके बारे में कितने बार लिखित दे चुके हैं कि ये हम लोग का जो वीरान क्षेत्र है, पहाड़ी कोरवाओं का क्षेत्र है, यहाँ पर रोड बने, बिजली बने, निर्माण हो, लेकिन आज तक इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। वहाँ तो PSC से जानकारी मिली है, एक वहाँ पे डिलीवरी हो गया था रास्ते में ही जो है, और परिजनों के द्वारा ये बताया गया है कि मतलब 102 को या तो 108 को गाड़ी को जो है फ़ोन किया गया है, लेकिन मेरी मैंने जानकारी ली उसमें ये पता चला है कि उनको जो है किसी प्रकार का कॉल नहीं आया है। जच्चा बच्चा दोनों अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तमता में दोनों जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और डॉक्टरों की देख रेख में और स्टाफ की जो है उनको निरंतर उनको बनाया गया है।